हाय एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हूँ घर पे मैं अकेली, मैं और मायरा, बाकी और कोई भी नहीं है। अब भैया ड्यूटी से आए हैं, तो मम्मी ड्यूटी गई है, मम्मा कहीं फंक्शन में आ गए हैं, बांटी दी अपने काम से गया है, घर पे मैं अकेली आज। तो मैं अकेली हूँ और भैया आए हैं, अपना बैग रखा और वो चले गए दुकान पर। तो रात को भैया की नाइट थी, वो चले गए। अब आज हूँ मैं अकेली गई और बातचीत में ब्रेकफास्ट बना दिया है, झाड़ू मैंने कर दिया, बस अब पोछा लगाना है। और आज मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, क्योंकि आज है 12 तारीख और कल है 13, 14 और 15, मतलब 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बचे, कल का दिन नहीं है, मतलब कल मुझे मायके जाना है। और आज का दिन है, आज मुझे फेशियल कराना है, ब्लीच फेशियल, थ्रेडिंग, अपलिप्स, बस ये कराना है। उसके बाद मेहंदी लगानी है, बस मेहंदी वाली लड़की मैं इधर ही लेके आ जाऊँगी आज, मैं घर पर लगा लूँगी क्योंकि घर पर कोई है नहीं ना। तो पहले मैं फेशियल कराने जाऊंगी, और फेशियल कराने किसके पास जाऊंगी, श्रेया मेकओवर से, जिसके जिससे मैं मेकअप भी कराती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो वो फेशियल भी करती है, वो हेयर के ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अगर आपको कुछ उस तरीके के फेशियल कराने हैं या हेयर ट्रीटमेंट या कुछ भी कराना है, मेकअप तो अच्छा करते ही हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टा मेरी जो श्रेया मेकओवर्स करके सर्च करोगे तो उनका पेज आ जाएगा, सामने ही आ जाता है श्रेया करके। तो अभी हम लगा लेते हैं पोचा, मेन मुद्दे पे आते हैं आज। बाई गॉड, ज़िंदगी में जब से मैं 4 साल में पहली बार पोचा लगा रही हूँ पूरे घर पे, क्योंकि आज घर पे कोई आया नहीं है, नहीं तो मैं पोचा झाड़ू मैंने लगाया 2-3 बार लगाया होगा घर पे, ज़्यादा नहीं, बट पोचा आज मैं पहली बार लगा रही हूँ ज़िंदगी में। और मुझे देख देख के ना अंदर से कुछ 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 हो रहा है, क्योंकि शादी से पहले भी मैंने पोचा कभी नहीं लगाया घर पे। मैं बहुत रेयर, जब कभी मम्मा घर पे नहीं होते थे तब मैं लगाती थी, अदरवाइज मम्मा घर पे ही होते थे या तो भाभी भी घर पे होते थे, तो मैं पोचा नहीं लगाती थी। और ना ही मैं बर्तन साफ करती थी मायके में, बस खाना बनाती थी, क्योंकि खाना बनाने में कोई आलस नहीं आता है, खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है मतलब। तो आज मैं ज़िंदगी में सबसे पहले शादी हुई है, पहली बार मैं लगा रही हूँ पोचा, क्योंकि मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको किसी की सफाई पसंद नहीं आती है, उनको अपने हाथ की सफाई पसंद आती है, इसलिए करते नहीं हैं, तो वो ही करते हैं झाड़ू पोछा। मम्मी मतलब झाड़ू कभी झाड़ू पोछा मतलब बाहर जिद भी कर लेते हैं, लेकिन उनको इतना पसंद नहीं आता, किसी का झाड़ू पोछा उनको पसंद नहीं आता, इसलिए वो खुद करते हैं। अगर हम कर भी देते उनको वापस करना होता है, वो मतलब अगर हम झाड़ू पोछा कर लेंगे ना, उनको वापस पोछा भी लगाना है फिर से, इसलिए जब लगाना ही है तो ऐसे ही लगा लो। तो एनीवे मैं भी घर नहीं होती हूँ, तो उन्होंने देखी ही नहीं है, मेरी सफाई तो देखी ही नहीं है, तो उन क्या पता पसंद आएगी नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, आज वो घर पे है नहीं है, तो आएंगे तो शाम को आएंगे, तब तक वैसे ही गंद पड़ जाता है। तो आज मैं अपने तरीके से सफाई कर लूँगी, अपना रूम तो मैंने सेट कर लिया, बस एक पिल्लो रह गया उठाने, और बस सफाई कर दी मैंने, अब पोछा लगाना है, झाड़ू करती है, पोछा लगाना। और गाइस सफाई हो गई सारी, और मैं नहा भी गई, और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सारे काम ख़त्म कर लिए, क्योंकि अब मुझे जाना है, मतलब 10 मिनट कम 11 हो रहे हैं, और 11 बजे मुझे पहुँचना है फेशियल कराने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए। और अब मैंने सिर्फ लगाना है मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है, और निकल जाना है, क्योंकि वहाँ फेशियल ही करना है, तो मेकअप करके क्या करना है ना, तो इसलिए मैं निकलती हूँ। जब मैं निकल रही हूँ, पॉलिथीन ले आई नहीं, किसने क्या करना है, पॉलिथीन ठीक है, किट मैंने ले ली, ब्लीच ओला चाबी भी नहीं ली, किट मैंने ले ली, ब्लीच मैंने अभी ले लेनी है बाहर से, और ब्लीच वैसे मेरे पास पड़ी हुई है डायमंड की, बट मैं सोच रही थी कि O3 की करूँगी। वेट, मैं चाबी कहाँ रखी है इन्होंने, मैं चाबी मेरे बैग में, तो ओके कि ब्लीच मिल जाए ना अगर मुझे, बस ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ब्लीच लेनी है और बस जाना। ये वाला फ़ोन रहे घर पे, इसको कर लेती हूँ मैं स्विच ऑफ, एयरप्लेन मोड लगा देती हूँ, देती हूँ इधर ही, तो वैसे भी कोई फ़ोन करता है नहीं, एक ही फ़ोन लेके जाऊंगी, क्योंकि दो दो फ़ोन उठाना बस का नहीं है मेरे। चलते हैं, ये रही मेरी मोनी। ओहो हो हो, भाई साहब क्या डस्ट है। तो गाइस चलती हूँ मैं, मिल जाओ गाइस, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो गाइस मेकअप आर्टिस्ट ये भी करते हैं,
और वो देखो ये सही चल रहा है आज। ब्लीच करती है और इसका वो टाइम हो गया, बस अभी निकाल लिया है, चलन पड़ रही है मैंने फर्स्ट टाइम की ऑक्सी लाइफ, क्योंकि ओ थ्री मुझे मिली नहीं, बट बोल रहे थे कि ये भी अच्छी है तो ये वाली की मैंने। और फेशियल का ये करना है, बस इसका टाइम हो गया इसको क्लीन करना है। गाइस फेशियल हो गया, आया ग्लो, आ ही गया होगा। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मार्केट से थोड़ा सा सामान लेना है, तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, निकल गई और मैं इसका बांधना है और बस अब लोग इधर मौसी का है। आओ मेरे हैंडू में लगा था और आपने उधर डिश कर दिया, और आपने उधर डिश कर दिया। ये है मैं दसवीं कैंडी, ये देखना कहाँ जा रही है, ये कुकी मछली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो तुसी, कितने जंदे पे हो। हाँ जी फोकस, गाइस मेहंदी मैंने स्टार्ट कर दी और लगाने को नया थोड़ा सा पीछे, ये अपने पेज का नाम बता दो, कलरफुल डॉट ही ना। हाँ तो जिसने भी मेहंदी अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट से ही आप देख सकते हो कितनी प्यारी लगा रहे हैं, तो किसी ने भी मेहंदी लगानी है तो आप इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे पूरी की पूरी मेहंदी तो दिख ही जाएगी। तो अभी स्टार्ट हुआ है तो आगे देखते हैं कैसे क्या क्या बनता है, अच्छा ही बनेगा जो भी बनेगा, यहीं से अच्छा लग रहा है। तो कैसे आगे ये बना रहे थे झुमका, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी भी एक क्लिप बना ली। तो देख सकते हैं कितने प्यारे झुमके बनाए उन्होंने, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग डिज़ाइन। और उसके बाद मेरे हाथ पे मेहंदी लग रही थी तो हाथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और बाजू की मेहंदी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, अमेजिंग मेहंदी लगाते हैं। अगर आपको भी इस तरीके की मेहंदी लगानी है तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बैक हैंड में भी इतनी अच्छी मेहंदी लगाई थी, तो ये है वो और ये हूँ मैं, तो दोनों हाथ में मेरी मेहंदी कम्प्लीट हो चुकी है, देख सकते हो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है उन्होंने, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, और अगर आपको भी इस तरीके की मेहंदी लगानी है तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो बोलते हो आपको थोड़ी देर के बाद, गाइस मेहंदी मेरी होगी उल्टे हाथ से गिली है अभी, तो दोनों हाथ में लगाई है, तो ये देख सकते हो बीच बीच में उतर भी गई है, लेकिन अब कल इसका कलर आएगा जब तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। होकर तो मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।